सर ने बोला गाना गाओ, तो उन्होंने राहुल भाई ने गाना गाया और ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ और फिर हम लोग कैरी फॉरवर्ड हो गए और हमने पूरा वो। अरे तो आप बिहारी तो कहीं भी बिहारी रहेगा भाई, बिहार में बिहारी रहेगा, मुंबई में बिहारी रहेगा, केप टाउन में भी बिहारी रहेगा। निकी साली बनना चाहती है, निकी तू मेरे साली बनना चाहती है, वो साली है, मैं उसको बोलता हूँ। मतलब मेरी बहन को मैं बोलता हूँ कि अगर मैं पटना में छोड़ दूँ तो गुम हो जाएगी, वो केप टाउन में जाके शो कर रही है। हाय आई एम विशाल आदित्य सिंह एंड यू गाइज आर वॉचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। जी हनुमान जी तो मेरे फेवरेट भगवान है, मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ और अगर मैं उनका जैसा उनके जैसा बन गया तो फिर तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर हनुमान नहीं बनोगे तो इस शो में उड़ोगे नहीं आप, समझे ना। तो ये रोहित सर ने क्या बनाया, रोहित सर तो शो के होस्ट हैं, उनका भी ये काम है, ये शो के जो मेकर्स हैं ना उन लोगों ने बनाया हम लोगों को ये। एक्चुअली मैं यार उनसे ये बात मिलना तो मतलब ऐसा लगता है कि शो जीतने वाली बात है, क्योंकि वो इतने साल से ये शो कर रहे हैं, उसके अलावा उनका जो बैकग्राउंड है लाइफ में वो भी स्टंट से जुड़ा हुआ ही है और इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उनको तो नज़र आते होंगे कितने कंटेस्टेंट देखे होंगे उन लोगों उन्होंने, तो उन लोगों में से किन्हीं दो का नाम लेना तो मतलब मेरे और डी के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा लगता है कि मैंने शो जीत लिया। एक्चुअली मैं जब रोहित सर ऐसा कुछ बोलते हैं तो प्राउड फील होता है खुद के लिए, अच्छा लगता है यार कि मतलब इतने बड़े इंसान इतने बड़े आदमी और आपको ऐसे बोल रहे हैं तो कुछ कमाया है लाइफ में मैंने। मैं राहुल भाई के साथ नहीं हो रहा था, शायद मैं अर्जुन भाई के साथ हो रहा था वो। हाँ सो एक्चुअली मैं क्या है कि मैंने बोला ना कि लोगों से सोसाइटी बनती है, वैसे ही लोगों से ही शो बनते हैं, अच्छे लोग होते हैं तो बहुत अच्छे शो बनते हैं। सो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, एक बस मस्ती कर रहे थे और मैं और अर्जुन भाई की जो कॉमिक टाइमिंग है ना वो बड़ा मैच करती है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं। सो कुछ तो हुआ था अचानक से ही, तो सर ने बोला गाना गाओ, तो उन्होंने राहुल भाई ने गाना गाया और ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ और फिर हम लोग कैरी फॉरवर्ड हो गए और हमने पूरा वो ड्रामा क्रिएट कर दिया और अच्छा लगा लोगों को मतलब चैनल को और उन्होंने प्रोमो बना के डाल दिया, तो ऐसा ये हुआ था वहाँ पे। निकी साली बनना चाहती है, निकी तू मेरे साली बनना चाहती है, वो साली है, मैं उसको बोलता हूँ। क्योंकि ना एक्चुअली में वो मेरी साली नहीं है, वो अभिनव भाई की साली है, मैं उसको ये बोलता हूँ। तू मतलब ज्यादा होशियार मत बन, समझी ना, कहीं और का पत्ता कहीं और मत फिट कर। लेकिन बहुत प्यारी बंदी है यार, बहुत प्यारी बंदी है, मतलब उस पर ना फिल्टर नहीं है, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है और अगर समझ गए आप तो आप उसके प्यार में पड़ जाते हो, तो वैसी बंदी है वो। हाँ मतलब मैं पहली बार ऐसा लग रहा था कि मेरे से छोटा कोई बंदा है और वो मेरा छोटा भाई है, फिर अचानक उसी शो में मैंने वहीं एयरपोर्ट पे देखा तो अनुष्का दिखी मुझे, मैंने बोला अरे इतनी छोटी सी है ये कैसे परफॉर्म करेगी, फिर वो शो में आई इतनी छोटी सी बच्ची, मतलब मेरी बहन को मैं बोलता हूँ कि अगर मैं पटना में छोड़ दूँ तो गुम हो जाएगी, वो केप टाउन में जाके शो कर रही है। सो हमारा बॉन्ड ऐसे ही बन गया अचानक से ही, और वो अचानक से ही केयर आ गया क्योंकि बहुत सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते थे, अनुष्का सब उसमें कैसे आके झलप करेगी या कैसे मिलेगी। सो मेरा वरुण और उसकी बातें हमने बहुत सारी मस्ती करनी चालू की और वो हमने कुछ सोचा नहीं होता है, जब आप प्यार एक दूसरे को कर रहे होते हो ना या कहीं से आपको प्यार मिल रहा होता है ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से प्यार निकल जाता है, तो वैसा ही हुआ, वो इतनी प्यारी है कि उसको देख के ही प्यार निकल जाता है। सो दैट्स इट, उसके ऊपर कुछ क्या बोलूँ मैं। हाँ अरे तो आप बिहारी तो कहीं भी बिहारी रहेगा भाई, बिहार में बिहारी रहेगा, मुंबई में बिहारी रहेगा, केप टाउन में भी बिहारी रहेगा, तो बिहारी तो बिहारी ही है। सो इसकी वजह से और भोजपुरी गाने सब जगह मतलब हिट है यार, एक नंबर बढ़ुए। फैंस को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा पूछते रहते हो ना कि मैं कब आ रहा हूँ नेक्स्ट रिविजन पे, तो सी आई एम हियर और बहुत ही अच्छा शो है, बहुत बड़ा शो है, खतरों के खिलाड़ी मेरा फेवरेट शो है और मैं आ रहा हूँ। मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ बोलूँगा, जैसे सारे शो को प्यार दिया आप लोगों ने, आप मेरे इस शो को भी प्यार दें। थैंक यू।